देख लो भाई कैसा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल गीस गौतम ब्लॉग। तो भाई अभी हम अपना डीजे देखने के लिए हरिद्वार से अपना दुर्गे तक आ चुके हैं और कॉलेज तक। तो भाई काफी दूर है हमारे घर से यहाँ तक, इसलिए हमारे साथ डीजे खड़ा है, लेकिन भाई इन्होंने अब तक कोई साउंड वगैरह नहीं दिखाया। जब से भाई ये डीजे आया ना, इसके ऊपर तिरपाल तो भाई हटी नहीं रही है। ओनली सिर्फ और सिर्फ दो बार ही बजाया था, वो भी एक बार इन्होंने अपना टेस्टिंग के लिए बजाया था और सेकंड टाइम इन्होंने लड़कों के बोलने की वजह से बजाया था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। भाई काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है डीजे का साउंड सुनने के लिए। और भाई जो पहले जनरेटर थे छोटे वाले, वो तो डेड हो चुके थे, फूक चुके थे, तो इस बार देख लो भाई बिल्कुल बड़े वाला जनरेटर मंगा रखा है पूरा ट्रक जितना। भाई चेक करो कितना बड़ा जनरेटर है भाई। सामने का सामना डीजे भाई, इसको भी भाई पल्ली वगैरह लगा रखी है उन्होंने तिरपाल। भाई समझ में तो नहीं आ रहा भाई डीजे बजेंगे तो कहाँ पे जाके बजेंगे। हम भी भाई अपने घर से काफी दूर आ चुके हैं हरिद्वार से रुड़की, वो भी इन डीजे के चक्कर में, लेकिन भाई कोई भी डीजे बजने के तैयार नहीं है। कसाने के ऊपर भी भाई ऐसे ही पन्ना वगैरह डाल रखा है। रावण डीजे पूरा कंप्लीट है ना, कोटर भाई गाइस अब आ चुके हैं हम अमर डीजे के पास। भाई चेक करो सामने, बाकी जो कल रात भाई साउंड वगैरह चेक कराया था भाई मज़े आ गया था। बाकी अभी तो भाई ये सभी डीजे वालों ने अपने इसमें डीजे के ऊपर तिरपाल वगैरह लगा रखी है। यो खड़ा मोनू भी और भाई सभी डीजे एक दूसरे के पास पास में ही खड़े हैं। तो अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ डीजे मोनू भाई, ये चेक करो गाइस, ये है डीजे मोनू भाई, आप देख भी सकते हो। तो गाइस हम मंगलोर तक आ चुके हैं डीजे देखने के लिए और साथ में भाई सुमित भाई है। तो अभी यहाँ से मंगलोर तक गए थे, फिर वापस आ रहे हैं, देखते हैं भाई वापस जाते टाइम कोई डीजे हमको बजते हुए दिखाई देगा या नहीं। अगर भाई हमको कोई डीजे चलता हुआ दिखा तो भाई वहाँ पे जाके अपना व्लॉग शूट कर लेंगे, नहीं तो भाई फिर अपना वापस घर तक चले जाएँगे, क्योंकि भाई हरिद्वार से मंगलोर भी काफ़ी दूर है। भाई पुलिस वालों की वजह से भाई काफ़ी सीन खतरनाक हो रखा है। ये राम है डीजे और भाई उधर है पुलिस वाले। भाई हर जगह यहाँ पे पुलिस पुलिस हो रखी है, तो इसलिए भाई कोई भी डीजे अपना बजाने को तो रेडी नहीं है। भाई सामने अमर डीजे के पास देख सकते हो आप कितनी सारी पुलिस आ चुकी है।
भाई टोल पे से भी सारे डीजे वगैरह भगा दिया है पुलिस वालों ने। अब पीछे आ रहा भाई रावण डीजे। देख लो भाई कैसा है। देख लो भाई कैसा सीन हो रहा है इस बारी कावड़ में। भाई पुलिस वालों गाड़ी रोड में कावड़ में रखो भाई। अरे बाइक वाले हटिए यहां से, रोड से हटिए। चेक करो भाई यहाँ से ये अमर डीजे तो निकलवा दिया है भाई। पुलिस देख सकते हो आप कितनी सारी होती है यहाँ। उधर सामने आ रहा है कसाना डीजे। सामने अमर डीजे और भाई साइड में कसाना डीजे, दोनों काफ़ी खतरनाक डीजे है भाई। लेकिन भाई सीन ये है कि पुलिस वाले इन दोनों को बजने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। ये चेक कर भाई अमर डीजे तो यहाँ से भाई भगा रहे हैं। अमर डीजे क्या भाई, कोई भी डीजे इस बारी हाईवे पे तो खड़ा होने नहीं दे रहे पुलिस वाले, तो इसलिए भाई सभी डीजे अपना आगे चले गए हैं हरिद्वार से। तो भाई इस बार तो भाई बिल्कुल भी सीन मतलब खतरनाक ही था। चलो भाई देख सकते हो जा रहा है अमर डीजे। निकल गया भाई यहाँ से तो अमर डीजे। फिलहाल अभी हम देख लो भाई जो रुड़की से मंगलोर साइड हाईवे जा रहा है वहाँ पे खड़े थे, इनको यहाँ से भी भगा दिया है। और भाई आपका साजन डीजे खड़ा है कोर कॉलेज के पास। गाइस ये रहा साजन डीजे, ये भी वहाँ से आ चुका है कोर कॉलेज से आगे। सभी डीजे भाई भगा दिया भाई पुलिस वालों ने। सवारी तो काफ़ी बेकार सीन हो रखा है।